अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए ना इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने एक अरसा पूरा हो गया रमज़ान मुबारक का। 3 असरे में से एक अरसा पूरा हो गया, 110 और माशाल्लाह हमारे रोजे तो अच्छे बहुत ही जा रहे हैं लेकिन गर्मी ज़्यादा तेज है। फिर क्या करें, अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं और अल्लाह ताला ही सब्र देते हैं, नहीं तो क्या है कि एक घंटा भी प्यासा ऐसे नहीं रहा जाता। आप सब लोगों के भी रोजे कैसे माशाल्लाह जा रहे होंगे, मैं दुआ करती हूँ कि सब के अल्लाह ताला रोजे नमाज है तिलावत कुरान है कबूल मकबूल फरमाए और हमारे साथ आपके रिजक में भी अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए आज आपसे आज की रूटीन शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे एक काम सा हो गया है, जो हर रोज़ हम एक काम करते हैं तो फिर वो करना ही होता है। इसलिए देखिए इस तरह से हम लोग की हमें आदत लग जाती है कि जिस दिन हम ब्लॉग नहीं अपलोड करते तो उस दिन ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ काम ही नहीं किया है। तो ब्लॉग की आदत भी ऐसी होती है कि हमने जब काम किया है ऐसा लगता है जब अपलोड करते हैं। तो चलिए आज की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए अल्लाह हाफिज सभी के लिए। तो देखिए आफरीन यहाँ पे कंप्लीट तैयार हो गए हैं तो आज इनके स्कूल में फंक्शन है तो अभी दोपहर की इनकी स्कूल है ना तभी तैयार कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने वहाल कर रही थी, उन कह रही थी कि काजल का काला टीका करके जाना आप। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज इतने दिनों बाद आफरीन खुश थे क्योंकि अभी स्कूल सब बंद थी और इस तरह सब था सब, तो अब देखे जाने लगे हैं तो एक अलग खुशी होती हो रही है। अपनी हेयर स्टाइल दिखा रहे हैं तो इनकी खाला ने कर दी है इनके हेयर स्टाइल, तो आपको बता रहे हैं कि देखिए मैंने किस तरह से हेयर स्टाइल करी और कंप्लीट हो गई है तभी रिक्शा आएगी तो वो जाएंगे। तो हेयर स्टाइल दिखा दी और अपना पूरा लुक दिखा दिया और ये कम्प्लीट हो गए हैं। तो वो देखें यहाँ पर असर का टाइम है तो मैं सीधे आपको असर के बाद ही मिलती हूँ क्योंकि सब पढ़ना दोपहर का जोहर की नमाज के बाद और ऐसा हो जाता है सब काम। तो फिर देखिए असर के में ही मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ मैं लहसुन ये भजिया बना रही थी तो ऐसे पतरी कर ली थी सिंपल सी, इसमें देखिए लाल जो चटनी होती है ना इसमें मैंने लगाए हैं जो हमारी लहसुन की लाल चटनी होती है और ये हरी चटनी है। तो यहाँ धनिया पुदीना और हरी जो मिर्च होती है ना उसकी चटनी है। तो देखिए यहाँ पर ये भी मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई थी तो इसके भी मैंने कहा थोड़े से चलो भजिए बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है सब। अब क्या है कि मुझे बेसन घोलना है, बेसन घोलने के बाद मैं ये तल लूँगी। तो आज सिंपल सा हमारा जो इफ्तारी का प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि अभी रोज़ खाना इतना ज़्यादा खाते हैं तो फिर थक जाते हैं, फिर किसी दिन ऑयली चीज़ खाने का मन भी नहीं करता है। तो फिर मैंने देखे इस तरह से आज ही अलग टाइप के ये बना लिए थे तो क्या है कि अच्छे भी लगेंगे। और देखे मैंने थोड़ी देर बना के इसे रख दिया था ना तो चटनी बिल्कुल ही निकल जा रही थी, इस तरह से हो गए थे। क्योंकि जब ये पतरी में हम चटनी लगाते हैं तो उसे रख कर नहीं रखना होता है, फ़ौरन ही तल लेना होता है। तो आज क्या है कि काम में मुझे दूसरी सब तैयारियां वगैरह करने और आफरीन स्कूल से आए तो उनकी बात सुनने में थोड़ा मुझे लेट हो गया। और देखिए अब यहाँ पे चटनी निकल रही थी इस तरह से हो गया था तो मैंने कहा चलो अच्छा है चलते हैं, हमारे ही तो हमको ही तो खाने अच्छा है, कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है, किसी के यहाँ भेजने भी नहीं आज, तो चलो आज हम ही हैं तो अच्छा है चलो खा लेंगे। इस तरह से कभी कभार गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ रोज़ों में इतना ध्यान भी नहीं रहता और हर रोज़ परफेक्ट हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी लेडीज से गलती हो ही जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो पकौड़ियाँ हैं भजिए हैं वो तल गए हैं तो जब हम निकाल लेंगे तो देखिए ऐसे तो परफेक्ट बने हैं लेकिन थोड़ी सी जो चटनी थी ना वो साइड से निकली जा रही थी क्योंकि मैंने कंप्लीट करके रखे और इसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद मैंने इसे फ्राई किया था तो इस तरह से सब हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी
हो गई है। और देखिए यहाँ पे हरी मिर्च भी बनाए थे और फालूदा तो मैं दोपहर में ही बना के रख देती हूँ। तो चलिए आप सब भी आइए हमारे साथ इफ्तारी कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। तो अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे, हमारे साथ आपके भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सिंपल सा हमारा जो प्रिपरेशन है ना इफ्तारी का है, आज इतना कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था और खाने का आज कुछ दिल भी नहीं कर रहा था, बस इस तरह से। तरबूज तो हर रोज होता ही देखिए है। यहाँ पे रोज़ा खोलने के बाद सब काम तो हो गए थे, अब ईशा की नमाज़ पढ़ ली, तरावी भी पढ़ ली है और अब खाने की प्रिपरेशन चलेगी। तो अभी बज रहे हैं 10:15, तो इस टाइम ही मैं खाना बनाती हूँ। तो आज खाने में आप देखिए क्या बन रहा है हमारे यहाँ, तो आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। दाल चावल, क्योंकि जीरा राइस और दाल खानी थी, तो पंजाबी दाल होती है ना वो, और जीरा राइस। तो यहाँ पे मैंने दाल, जब तरावी पढ़ने बैठी ना तभी मैंने उबाल के रख दी थी उबालने। और देखें यहाँ पे हमारे राइस बन रहे हैं, तो राइस भी हमारे बन गए हैं अभी। चलिए देखिए, तो राइस बन गए हैं, तो अभी दाल को तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने देखें यहाँ सब मसाले कंप्लीट करके रखे हैं, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है और यहाँ पे प्याज है। यहाँ पर देखिए सब मसाले कंप्लीट करके मैंने रखे हैं, अभी दाल को सिर्फ तड़का लगाने का बाकी है। दाल को तड़का लगाते हैं और फिर खाना खाने बैठेंगे, तो 11:15 हो ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल उबाल कर रख ली थी, तो यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ भगोने में हम ऑयल ले लेंगे, तो ऑयल मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने लिया था। तो ये तड़के वाली दाल है ना, तो इसे हम क्या है कि टाइम पे ही तड़का लगाएंगे ना, जब खाने बैठेंगे तभी अच्छी लगेगी। इसलिए मैं क्या है कि दाल उबाल के रख लेती हूँ, फिर मैं तड़का तो क्या है खाने के टाइम पे ही लगाती हूँ, नहीं तो क्या है कि तड़का लगा के रख देना दाल, तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता इतना। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया था, तो इसमें जीरा मैंने ऐड कर दिया है। और आपको बताया सब मैंने, जैसे कि प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब कट करके रखा हुआ है। तो लहसुन मैंने एकदम बारीक कट करके रखा हुआ है, अदरक भी, और यहाँ पे मैंने इसको पीसा नहीं है, बस बारीक कट करके रखा हुआ है। और देखिए हमारा जीरा यहाँ पे अच्छे से भूरा सुनहरी रंग का हो गया है, तो इसमें अब हम हींग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक हींग यूज़ की है, आप चाहे तो येलो हींग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे। तो क्या है कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन का, और इसके चंक्स जो है ना वो दाल खाते हैं तो दबाते हैं मुंह में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे सुनहरा भूरा रंग का होने देंगे हम इसे अच्छी तरह से, जो इसकी जो कच्ची जो पन है ना लहसुन और प्याज का, वो नहीं आना चाहिए दाल में। इस तरह से इसे अच्छी तरह से हम अभी भून लेंगे। और देखिए यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े मसाले, में निकाल के रख लूँगी क्योंकि अभी देखिए सब कंप्लीट कर लूँगी। तरावी पढ़ने के बाद ना फिर फौरन ही मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, फिर क्या है अखनी है, दाल चावल है, गोश्त चावल है, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से भून लिया है। इसमें अब हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसमें हम टमाटर अभी नहीं ऐड करेंगे, इसमें हम अभी जो अदरक है ना वो ऐड करेंगे। और अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से हम भून लेंगे, इसके भी कच्ची स्मेल जो होती है ना नहीं आनी चाहिए। इस तरह से देखिए भूरा रंग का हम सुनहरा होने देंगे। और अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम इसे थोड़ा सा सोते करेंगे, और इसमें हम नमक ऐड करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए। तो दाल में मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो इस टाइम ही मैं दाल का नमक भी इसमें ऐड कर दूंगी। और नमक डालने से क्या है कि हमारा जो टमाटर है उसका कच्चापन नहीं रहेगा और एकदम सही है, गल जाएंगे नमक के हिसाब से टमाटर और प्याज सब। और इसमें अब हम हल्दी आधी टीस्पून मैंने भर के नाखी है, और इसमें धनिया जीरा पाउडर मैंने 1 चम्मच फुल बड़े वाला भर के डाला है। और इसमें लाल मिर्च, देखिए यहाँ अफरा तफरी के माहौल में थोड़ा सा ढूल भी जाता है, क्या करें जल्दी जल्दी अभी सब हो करना है। तो देखिए यहाँ पे साफ तो कर लूँगी लेकिन थोड़ा सा गंदा सा हो गया, कोई बात नहीं, खाना बनाने के बाद सब साफ कर दूँगी, क्लीन किचन को मैं। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम भर के डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला,
तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हमारा दाल में आएगा। तो आप एक बार ये दाल फ्राई है ना, दाल फ्राई ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी खाने में, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी दालें जो आप बनाते हैं ना, वह खाना भूल जाएंगे। तो देखिए अच्छे से इसे सोते कर लेंगे, और दाल देखिए यहाँ पे बाफ के रखी हुई थी ना, उबाल के और डाल देंगे इसमें हमारे तड़के के इसमें। वो देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये दाल आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार ये दाल। और देखिए इतनी घट्टो होती है दाल फ्राई, तो बिल्कुल ही पतली नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हमारे कुकर में अभी भी दाल थोड़ी चिपकी हुई है। और हम लेडीज लोगों की तो आदत होती है, जब तक कोई भी चीज़ ख़त्म ना हो तब तक हम इसे छोड़ते नहीं हैं, तो थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए बस इस तरह से। और इसे हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। तो ये गर्म तो थी थोड़ी बहुत दाल, तो इसमें क्या है थोड़े से चंक्स रहते ही हैं दाल के एकदम, इसे हमें ब्लेंडर नहीं देना है, क्योंकि दाल फ्राई जब हम होटल में जाके खाते हैं ना तो इस तरह से थोड़ी आँखी आँखी सी होती ही है, इसमें चंक्स होते ही है दाल के, इसलिए इसे एकदम मिस नहीं करना है आपको। और अब इसे देखिए हम उबलने देंगे अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में। तो आप चाहे तो इसमें बटर भी इस टाइम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे आज ख़त्म हो गया था बटर तो मैंने नहीं ऐड किया है। नहीं तो इसमें बटर भी डालेंगे तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से दाल आप ज़रूर बनाइए। तो कभी कभार तो क्या है कि रोज़ गोश्त चावल होते हैं, फिर रखनी होती है, बिरयानी होती है, तो कभी कभी कभार हमें दाल फ्राई और जीरा राइस कभी कम, हमें सादा खाना भी खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फुल टाइम हमें एकदम से क्या है कि हेवी हेवी खाना, कभी तो पेट को भी हल्का हट देनी चाहिए। इसलिए मैंने आज ये मेन्यू सोचा कि आज डिनर में यही बनेगा, तो बच्चे बोले हाँ, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि अच्छा है, चलो आज थोड़ा सा हल्का खाना तो हो जाएगा। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, तो ये ताजे वाला भी अच्छा मिल गया है हमको हरा धनिया बाज़ार में, नहीं तो क्या है कभी गर्मियाँ चल रही है तो बहुत सूखा सा हरा धनिया मिल जाता है, एकदम अच्छा नहीं आता। तो अभी क्या है कि अच्छा आज मिल गया था हरा धनिया, तो इसे खूब हम पकाएंगे, वो इसे खूब उबलने देंगे। तो 10-15 मिनट तक इसे हम उबलने देंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से सब मसालों का वो दाल में एकदम अच्छे से आ जाए। और हमारी दाल एकदम घट भी है तो क्या है कि चावल में एकदम लग जाएगी, पतली दाल होना तो चावल एक साइड रह जाते हैं और दाल कहीं निकल जाती है, ऐसा हो जाता है। तो जीरा राइस और दाल फ्राई का तो यही है कि एक साथ घुल मिल जाते हैं और खाने में भी सबको अच्छे लगते हैं। और देखिए यहाँ से 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया है, वो एकदम मसालों में इसे पे, और इसे स्लो आंच पे भी 10 से 15 मिनट तक मैंने पका लिया था। तो दाल तो जितना पकेगी ना, मसाले इसमें चढ़ते जाएंगे, इसका टेस्ट बढ़िया आता जाएगा। कड़ी और दाल का तो यही रहता है, जितना पकाओ इसका टेस्ट उतना ही बढ़ता जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे हमारी दाल कंप्लीट हो गई है बन के, तो अब देखिए इसे 5 मिनट उबाल लूँगी, फिर साइड में मैं इसे रख लूँगी। और हमारे राइस भी बन गए हैं, तो इसे अभी हमें तड़का लगाना, क्या है कि जीरा राइस है तो इसमें वघार तो बनता ही है, तो वघार बिना तो जीरा राइस अच्छे लगते ही नहीं है। और दाल देखिए यहाँ पे हो गई है, तो यहाँ पे मैं राइस में जो तड़का लगाएंगे ना तो वघार उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो कटोरे में हम यहाँ पे ऑयल ले लेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरा ऐड कर देंगे, अभी इसको गर्म रखने का बाकी है। तो यहाँ पे सब कंप्लीट मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लूँगी। तो क्या है कि राइस साइड में रख दिए थे ना, तो मैं देख रही थी कि हो तो गए हैं बिल्कुल भी, हाँ हो तो गए ही हैं। और देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो चलिए अब सिर्फ राइस को तड़का लगाना ही बाकी है। तो सब काम ऐसे हो जाते हैं ना। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दाल का फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये से हमारी दाल बनी, साइड से आपको अच्छे से नहीं दिख रही तो देखिए। और यहाँ पे हम लगाएंगे राइस को तड़का, तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। जब तक हमारा जीरा तड़क जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे अभी हरा धनिया, और इस टाइम यहाँ बहुत अच्छी स्मेल आएगी इसकी, जो वघार करेंगे ना उसकी, तो आप देखिए एकदम मस्त लगेगी ये राइस। और इसमें देखिए हम तड़का दे देंगे राइस में, हमारे राइस बनना के पहले ही रख लिए थे अभी ही। तो हमारे दाल फ्राई और जीरा राइस कंप्लीट है। चलिए अल्लाह हाफिज़।